एक बार एक ग्रस्त के यहाँ एक व्यक्ति ने किसी कारण से उसकी यमराज से दोस्ती हो गई, यमराज से दोस्ती हो गई। तो अब वो घर का जो वृद्ध था तो यमराज ने बोला कि आपको कुछ चाहिए, तो इसने एक ही बात बोली कि जब मैं मरूं तो तुम ऐसा करना कि मेरे को मेरे ही घर में जन्म देना। तो यमराज जी ने कहा कि इतने अच्छे कर्म तो तुम्हारे है नहीं कि तुमको मैं मनुष्य बनाकर भेजूं। हाँ, एक सीट रिजर्व है किसकी, कि तुम्हारे घर में जो गाय का बच्चा होने वाला है ना, तो उसके गर्भ से मैं तुमको जन्म दे सकता हूँ। उसने कहा चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस मुझे अपने घर में ही जन्म लेना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो घर परिवार दो चार दिन तो बहुत रोया, और फिर इधर से दादाजी कह रहे चिंता मत करो मैं आने वाला हूँ, और फिर वो गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हो गए। अपने परिवार के प्रति बड़ा मोह था उनको, उधर तो परिवार बेटा ड्यूटी जाता तो उधर बछड़ा गौशाला से अपने बेटे को देखता, अपने बेटे को देखता, नाती पोते बहू सबको देखता। अब लेकिन उनके लिए तो ये बछड़ा ही था, सामान्य व्यवहार करते, कोई बात नहीं, अपने घर का आनंद ले रहा है। और तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने सुखाई हुई थी साड़ी, और बछड़ा अब जब पशु शरीर मिला है तो पशु का स्वभाव भी होगा, तार में सिखा सुखाई हुई थी बहू ने साड़ी, नई बिल्कुल बनारसी साड़ी, और उस साड़ी को अब बछड़े का स्वभाव, उसने उसको चबाना शुरू कर दिया। अब चबा कर तो बिल्कुल उसको ऐसा बना दिया उसने, और अब जब बहू की नज़र पड़ी तो इतना क्रोध आया, जैसे ही पति आए ड्यूटी से और उनको कहा कि देखो इस बछड़े ने मेरी साड़ी को चबा दिया, तो बेटे को भी क्रोध आया अच्छा, और उठाया डंडा और फिर उस बछड़े की इतनी कुटाई की, और उसके बाद पड़ा है बछड़ा एक गौशाला में। उसके बाद यमराज आए, कहा बेटे ने अच्छी खातिरदारी करी, अब क्या बनना है, क्योंकि तुम्हारा प्राणांत फिर होने वाला है, अब और कुछ बना दूं। तब इसको होश आया कि राम 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 राम, जब तक हमारे संबंध बने रहते हैं तब तक ही लगता है कि शायद इसके बिना जीवन संभव ही नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो दुनिया कब की बंद हो चुकी होती, असंख्य लोग इस धरती में आए और असंख्य लोग चले गए, लेकिन संसार कभी बंद नहीं हुआ, संसार तो चल रहा है। इसलिए मोहों की निवृत्ति करके अपने परिवार के प्रति प्रेम करना है, स्नेह सब कुछ करना है, लेकिन आसक्ति नहीं करनी। अब आप कहेंगे कि प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क होता है, प्रेम और आसक्ति, प्रेम तारने वाला होता है, आसक्ति मारने वाली होती है। आसक्ति का मतलब जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट, मतलब इसके बिना मेरा जीवन ही संभव नहीं। प्रेम तो करना है लेकिन अटैचमेंट किसी से नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उसी प्रकार से आसक्ति नहीं होनी चाहिए जैसे कि पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कि कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की बूंद को अगर कमल के पत्ते में ऐसे करके छिड़को तो मोती के दाने से मोती के तरह बनकर वो सारे के सारे फिसल जाते हैं। पत्ते में रहता है पानी, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पत्ते पर चिपकती नहीं है। तो हम संसार में तो रहे लेकिन हम संसार में चिपके ना, रहने में और चिपकने में अंतर है माताओं। हमको इस संसार में श्रीफल की तरह रहना है, नारियल की तरह नहीं रहना। क्या क्या फर्क है दोनों में? जो श्रीफल होता है जब हम फोड़ते हैं तो उसमें से गोला आराम से निकल जाता है, बाहरी से बसता है गोला। तो हमें इस संसार में कैसे रहना है, उसी के अंदर है गोला लेकिन फिर भी पृथक है, अलग है, इसलिए फोड़ा गोला अपना अलग बाहर हो जाता है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम संसार में श्रीफल के अंदर जैसे गोला है वैसे नहीं रहते, हम चिपक कर रहते हैं कच्चे नारियल की तरह। नवरात्रों में नारियल फोड़ते हैं तो फिर उसको जब गिरी निकालनी होती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाकू से ऐसे ऐसे करके निकालो, चिपकी होती है, और भी कई बार चाकू फिसल जाए तो हथेली में चोट भी लग सकती है। तो जो चिपकी हुई चीज़ होती है और जब उसको ज़बरदस्ती निकाला जाता है तो फिर उस चिपका चिपकी के कारण बड़ा कष्ट होता है। तो वैसे ही जब व्यक्ति मरता है ना, महाभारत में लिखा है अंत काले महादुखम न भूतो न भविष्यति, अंतिम अवस्था में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि ऐसा कष्ट तो न भूतो न भविष्यति, न उस जीवात्मा को कभी हुआ था और न कभी आगे होगा, इतना कष्ट होता है। तो वो मरते समय कष्ट किसका होता है? तो हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बात करते थे, मरते समय प्राण जाने का कष्ट नहीं होता, जो इस संसार में हम चिपके हुए हैं ना कि हम संसार छोड़ना नहीं चाहते, हाँ खटिया में पड़े हैं, अरे
बेटे को बुला दे, अरे बहू को बुला दे, थोड़ा दर्शन कर लूँगा, अरे पोते का दर्शन तो करा दे। तो ये जो हम चिपके हुए हैं, तो अब आ गया मृत्यु का समय और हम नारियल की तरह संसार से चिपके हुए हैं और यमराज जबरदस्ती हमारे प्राणों को जब खींचता है तो उस चिपकी हुई चीज़ को जब खींचा जाता है उसका कष्ट होता है, वो मृत्यु का कष्ट नहीं, उसका चिपका चिपकी का कष्ट होता है। प्रेम से कहें श्री राधे, इसीलिए माताओं संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से रहिए। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका अर्थ बहुत सुंदर है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ जानते हो क्या है? जो सार है, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ यही है, हे प्रभु, हे भोले बाबा, मुझे इस संसार से उसी प्रकार से मुक्त कर दीजिए जैसे कि जो खरबूजा होता है, खरबूजा और उसकी जो बेल जुड़ी हुई होती है तो धूप के प्रभाव से जो उसकी बेल का जो हिस्सा होता है, जो खरबूजे से चिपका हुआ होता है, तो वो धीरे धीरे धूप के प्रभाव से सूखती चली जाती है, सूखती चली जाती है, और वो अगर कोई न तोड़े तो भी वो बेल खरबूजे को अपने आप छोड़ देती है एक दिन। यही महामृत्युंजय का रहस्य है और यही महामृत्युंजय का अर्थ है कि हे प्रभु, जैसे कि वो खरबूजे की बेल एक दिन स्वतः धूप के प्रभाव से खरबूजे को स्वयं छोड़ देती है, वैसे ही मैं बिना किसी कष्ट के प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, अपने स्वभाव में स्थित होकर स्वस्थ रूप से मैं इस संसार को छोड़ दूँ। ऐसी कृपा करना भोले बाबा, स्वस्थ रूप से छोड़ दूँ। अब आप कहेंगे स्वस्थ क्या होता है? कोई बीमारी ना होना, इसको हम स्वस्थ कहते हैं। लेकिन शास्त्र स्वस्थ किसको कहता है? बोले स्वस्थ स्वस्थ, अर्थात जो अपने ही स्वरूप में स्थित है, जो समय निकाल निकाल कर अपनी दायित्वों से समय निकाल कर अपने को एक बंद कक्ष में बैठकर अपने को जानने की का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, कौन मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इस धरती पर क्यों आया, क्या मुझे करना है, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा लक्ष्य होगा, इस प्रकार की कैलकुलेशन लगाकर जो जीवन जीता है, बस वही जीवन सार्थक होता है। प्रेम से कहिए श्याद, इसी को स्वस्थ कहते हैं। तो भरत जी महाराज अंते यामति सागति, फिर इनको हिरण का जन्म मिला, वो देह भी त्याग हो गया, और फिर ब्राह्मण का जन्म मिला, फिर राजा रहुगण ने बड़ा सुंदर उपदेश करके इनको भवाटवी का उपदेश किया कि हे राजन, जो ये तुम्हारी बुद्धि है ये तो एक रतन है, और इस बुद्धि रूपी रतन को बड़े जतन से संभाल कर रखो, क्योंकि बुद्धि से ही तुम इस संसार से पार हो पाओगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो फिर चरित्र शुद्ध होगा, चरित्र शुद्ध होगा तो फिर यह लोक सुखी परलोक सुखी, ऐसा उपदेश दिया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, किम देश विशेषाह, ये जो नरक हैं कहाँ हैं, भारत में ही हैं या किम देश विशेषाह या कहीं अन्य देशों में है, बताइए। तो शुभदेव जी महाराज कहते हैं कि इस धरती में, इस पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे दक्षिण की तरफ एक पुरी है जिसको कहते हैं यमपुरी। जो लोग इस धरती में अपने जीवन को संयमित नहीं जी पाते तो फिर यमराज अपने तरीके से उस नगरी में उससे संयम करवाता है कष्ट दे देकर, इसलिए उस पुरी का नाम संयमनी पुरी भी कहा जाता है। जैसे कि जेल में लिखा जाता है ना सुधार गृह, जहाँ पर जाकर तो हमारे उद्दंडताओं को सुधारने के लिए घर है, तो वैसे ही समझ लीजिए कि यमराज का जो नर्क है वो सुधार गृह है, जिसने अपने इस शरीर रूपी चादर को यहीं पर भगवान के भजन से साफ नहीं किया, और जो फिर चादर बहुत मैली हो जाती है फिर उसको धोबी धोता है पछाड़ पछाड़ कर, तो यमराज भी एक ऐसा धोबी है जिसने अपने शरीर में कई दाग लगा लिए और उस दाग को कभी भगवान के नाम से पहुँचने का, धोने का भी कभी उपाय नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को फिर यमराज धोबी पछाड़ के रूप से दंड देता है। तो यहाँ से 99,000 योजन नीचे, एक योजन में होता है माताओं 12 किलोमीटर, तो 99,000 मल्टीप्लाई 10 इजगल टू कितना हुआ, 11,88,000 किलोमीटर। यहाँ से नरक की दूरी है 11,88,000 किलोमीटर।
और नरक का वर्णन करने लगे, अगर ऐसा करोगे तो इस नरक में जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो इस नरक में जाओगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो काल सूत्र नरक में जाओगे, गरम गरम उल्टी कीलों में तुमको दौड़ाया जाएगा, सिर के बल तुमको नीचे गिराया जाएगा, शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे लेकिन तुम मरोगे नहीं, क्योंकि वो होता है यातना शरीर। सहारनपुर में कथा कर रहा था तो किसी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति ने, अध्यापक ने मुझसे एक प्रश्न किया कि बोले व्यास जी, आप बता रहे थे कि मरने के बाद इतना कष्ट होता है, हमारे तो बात ये पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि आत्मा को न तो कष्ट होता है, नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, गीता। तो फिर मरने के बाद आप कह रहे हो कि ये कष्ट होता है, वो कष्ट होता है। अब उसने अपनी बुद्धि के अनुसार तो बेचारे ने ठीक ही प्रश्न किया था। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों को समझने के लिए गुरुओं का संरक्षण चाहिए। हम सोचते हैं कि एक ही बार किताब पढ़ी और सारे अर्थ सारे गुण रहस्य हमको समझ आ जाएं। हम 14 साल से घर छोड़े हुए हैं संस्कृत जगत में, यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ खाक नहीं छानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन, और गुरुओं के चरणों में बैठ बैठ कर क्वेश्चन आंसर कर करके तब जाकर हमको शास्त्रों का इतना सा ज्ञान हुआ होगा, इतना सा। और आज का व्यक्ति चाहता है कि एक ही बार में हमको बस हाँ या ना में आंसर मिल जाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं हाँ ना में उत्तर नहीं दिया जाता, उसका विश्लेषण करना ही पड़ता है। तो फिर ये कष्ट किसको होता है? आप समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा तो सिर्फ बॉडी को संचालित करने वाला एक, समझ लीजिए, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक करंट है बस आत्मा। और जो हम मरते हैं तो यमराज क्या करता है, शरीर कई प्रकार के होते हैं, ये जो शरीर है हमारा इसको कहते हैं स्थूल शरीर, और जो यमराज खींच के ले जाता है अंगुष्ठ मात्रम, बहुत सूक्ष्म होता है वो, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यमराज हमारे सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है कहाँ पर? अपने यमलोक में। यमलोक होता है जंक्शन की तरह, जंक्शन किसे बोलते हैं, जहाँ से दो तीन जगहों के लिए ट्रेन कटती हो उसको जंक्शन कहा जाता है। तो यमराज का जो वो है नरक, वो स्टेशन है, जंक्शन है। तो फिर उस सूक्ष्म शरीर को ले जाकर उसका पूरा खाता टटोला जाता है, और यदि वो पुण्यात्मा है तो फिर उस सूक्ष्म शरीर को परिवर्तित कर दिया जाता है, वहाँ से उस व्यक्ति को मिल जाता है दिव्य शरीर। अगर वो पुण्यात्मा है तो उस दिव्य शरीर को धारण करके वो स्वर्ग का उपभोग करता है, और यदि कदाचित वो पापी है तो फिर उसको दिया जाता है यातना शरीर, जिसको हम कह सकते हैं पनिशमेंट पाने के लिए जो बॉडी दी जाती है, केवल दंड देने पाने के लिए, और फिर उसको उसके हिसाब से उस शरीर के यातना शरीर से उसको फिर यमराज यम की यातनाएं देता है। अच्छा, आत्मा तो अभी भी वही है, आत्मा सिर्फ बॉडी को जनरेट कर रही है, आत्मा तो निर्लिप्त है, वो शरीर से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो वो यातना शरीर ऐसा होता है कि दंड के आधार पर जब व्यक्ति को 100 योजन ऊपर पहाड़ी से नीचे सिर के बल गिराया जाता है, इसके असंख्य टुकड़े हो जाते हैं, छत विच्छत हो जाता है, लेकिन फिर भी मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर ही कष्ट देने के लिए बनाया गया है, इसको यातना शरीर कहते हैं। और यदि वो भगवान का भक्त है न तो वो स्वर्ग जाता है न वो नरक जाता है, वो सीधा भगवान नारायण के श्री चरणों में चला जाता है, और उसको भगवान 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सालोक्य, सारष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्वमप्युत। एक होती है सालोक्य मुक्ति, भगवान अपना लोक उसी व्यक्ति को, अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। एक होती है सारष्टी मुक्ति, एक होता है सामीप्य मुक्ति, भगवान वैकुंठ में उसको अपने बगल में बैठाते हैं, सामीप्य। एक होती है सारूप्य मुक्ति, जो धुंधकारी को मिली, अर्थात फिर वो भगवान का ही, नारायण का ही रूप बनाकर वैकुंठ में चला जाता है। और नारायण में और उस व्यक्ति में क्या अंतर है पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल नारायण का ही स्वरूप, चतुर्भुज रूप, पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्म, इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और एक होती है सारूप्यैकत्व, एकत्व मुक्ति। एकत्व मुक्ति मतलब वो भगवान में जाकर मिल जाता है, अर्थात भगवान ही बन जाता है। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति कही गई है, प्रेम से कही श्री राधे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, नरकों का वर्णन सुनकर बड़ा भय लगता है,
जाने अनजाने में पाप तो हो ही जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर जाने अनजाने में पाप हो जाए तो समय समय पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए, घर 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 में पूजा पाठ कराते रहना चाहिए, जिससे कि उसका दोष समाप्त होता चला जाए। क्योंकि अगर वो सारा का सारा पाप एकत्रित होकर एक पहाड़ का रूप ले लेगा, वज्र का रूप ले लेगा, तो फिर बड़े बड़े अनुष्ठान से भी नहीं वो कटता। इसलिए समय समय पर हमको घर में पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। परीक्षित जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बोले गुरुदेव एक प्रश्न है मेरे भीतर, निवेदित करूँ? कहो राजन। गुरुदेव ये बताइए, एक हाथी है, सरोवर में स्नान किया, सूंड में पानी लेकर खूब फुआरा, सावर की तरह खूब फुर फुर करके खूब नहाया, उसकी देह उज्जवल हो गई, और उसके बाद फिर पानी से बाहर निकला और फिर रेत में जाकर सूंड से रेत उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। तो गुरुदेव ये बताइए उस स्नान का कोई लाभ हुआ क्या? जब रेत डालनी ही थी तो नहाने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसा ही मुझे कुछ लोगों को देखकर लगता है गुरुदेव, कि ये जो दुनिया के लोग हैं ये क्या करते हैं, खूब नहाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पाप को धोने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, लेकिन सत्यनारायण की कथा कराने के बाद भी अगर जीवन में असत्य है या जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, लोगों के प्रति दया का भाव नहीं आया, समाज के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है इसके दायित्व का यदि उसको भान नहीं, तो ऐसी कथा सुनकर पवित्र नहाने से क्या फ़ायदा, जब उसने यहाँ से कथा से प्रसाद लेने के बाद पुनः अपने घर में जाकर सांसारिक चर्चा करनी है, तो ये तो फिर ऐसा ही हुआ कि यहां से तो नहा कर गया पर घर में जाकर पुनः धूल उड़ेल ली, क्या फायदा हुआ? सच्चा प्रायश्चित क्या है गुरुदेव? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, सच्चा प्रायश्चित तो भगवान का नाम है। भगवान का नाम लेते 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 एक दिन वो नाम का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति को असंगत से दूर ले जाकर भगवान से सहजता का प्रेम करा देता है, और जब भगवान से सहज प्रेम हो जाता है तो फिर योगक्षेमम वहम मेहम, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी हमारा दायित्व परमात्मा का बन जाता है। फिर ऐसा भक्त पहले तो पाप करता नहीं, लेकिन अगर कदाचित उससे पाप हो गया, लेकिन वो यदि भगवान को समर्पित है तो भगवान उसके पाप को क्षमा कर देते हैं। प्रेम से कहिए श्याद। तो ऐसा निवेदन किया, गुरुदेव कोई बहुत पापी हो और उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई हो तो कोई चरित्र सुना दीजिए। तो अजामिल का चरित्र श्रवण कराया, जिसने अंतिम अवस्था में जब यमराज के दूत प्राण खींचने लगे तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण के दूत आ गए, यमराज के दूतों को धक्का देकर बाहर किया है और उस अजामिल की रक्षा करी। अजामिल सोचने लगा कि ओहो, जब धोखे से मैंने नाम लिया, नाम नहीं लिया, नाम नहीं था, नामाभास था, क्योंकि भगवान को थोड़े ही पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो अजामिल सोचने लगा कि जब नामाभास ही इतना कल्याण करने वाला होता है कि भगवान के दूतों ने काले काले कपड़े जो पहनकर, यमराज के दूत लंबे लंबे बाल बिखरे हुए फैले हुए बाल लंबी लंबी दाढ़े लेकर जो आए थे, जिनको देखकर भी मलमूत्र निकल रहा था, ऐसे यमराज को भगवान के दूतों ने पीताम्बरधारी शंख चक्र पदा गदा पद्म लिए हुए, उन पीताम्बरधारियों ने उन काले वस्त्रों को धारण किए हुए यमराज के दूतों को ऐसे धक्का मार कर भगाया कि यमराज अजामिल सोचने लगे अगर मैं भगवान का नाम प्रेम से लेता तो क्या होता, जब धोखे से लेने का ये रिजल्ट है, प्रेम से लेने का क्या होता। तो अजामिल ने फिर भगवान की आराधना की है, उसके बाद श्रवण कराया है वृत्तासुर का चरित्र। वृत्तासुर का चरित्र भी बड़ा सुंदर है, राक्षस होते हुए भी इसने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति अंतिम अवस्था में की है। महाराज ये वृत्तासुर कौन था, राक्षस होने के बाद भी भगवान की स्तुति इसने कैसे की, यहाँ तो देवताओं से ही भगवान की स्तुति नहीं होती। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। कश्यप और अदिति पति पत्नी है, तो अदिति जो है वो देवताओं की माता है, दिति जो है वो दैत्यों की माता है। तो कश्यप के देवताओं की माता अदिति से त्वष्टा मुनि हुए, कौन हुए, जोर से बोलो, त्वष्टा मुनि हुए। त्वष्टा मुनि के विश्वरूप हुए, जिनके चार सिर थे, और एक बार ये देवताओं के गुरु बने। श्रोता हो तो ऐसा हो तुरंत।